आप सभी जानते हैं कि मैं समाज के सभी पक्षों में उठता बैठता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। तो मैं एक ऐसी घटना सुनाता हूँ कि जिससे सबको थोड़ा समय सार का सार समझ में आने में सहायता मिले। एक दफ़े की बात है कि मैं एक बहुत बड़े मुनि संघ में विद्वत सम्मेलन हो रहा था, वहाँ बैठा था। तो वहाँ मेरे से एक प्रश्न पूछा गया कि आपके यहाँ समय सार के पीछे पड़े रहते हैं, समय सार के बड़े दीवाने हैं आपके यहाँ, समय सार ही समय सार, समय सार ही समय सार पढ़ते हैं। तो आप आज हमको सही सही बताओ कि आप भी समय सार से प्रभावित हो क्या, और हो तो क्यों हो? ये प्रश्न मेरे से वहाँ पूछा था। उन्होंने सोचा होगा कि ये सभी धर्म दर्शनों को पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में उठते बैठते हैं, मैंने केवल जैन दर्शन के ही नहीं दूसरे दर्शन के भी सैकड़ों हजारों ग्रंथों को पढ़ा है। तो उनको लगा कि जब इन्होंने ये सब बहुत व्यापक दृष्टि से पढ़ा है, जैन परंपरा में भी विविध विद्याएं हैं ये कहते हैं बताते हैं, 10 लाख ग्रंथ तो जैन परंपरा में मौजूद है, और भी दूसरे बहुत हैं, तो मैं सभी को यथाशक्ति जैसी जैसी जरूरत के मुताबिक सभी ग्रंथों को देखता पढ़ता रहता हूँ। तो ऐसे में मेरे सामने ये प्रश्न था कि आप ईमानदारी से ये बताओ कि आप भी समय सार से प्रभावित हो क्या, और यदि हो तो क्यों हो? तो मैंने उनको जो उत्तर दिया वो उत्तर आज यहाँ सबके बीच रखना चाहता हूँ, और उस उत्तर से समय सार का क्या महत्व है, समय सार का क्या सार है, वो भी संक्षेप में कहा जा सकेगा जितना अपने पास में समय है। सबको बहुत लाभ होगा, नए लोगों को भी बहुत लाभ होगा, और जो गहन स्वाध्यायी हैं उनको भी बहुत लाभ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैंने कहा वाकई मैंने बहुत व्यापक ग्रंथों का अध्ययन करने की कोशिश की है, बचपन से आज तक 5 साल की उम्र से मैं पढ़ते ही पढ़ते रहा हूँ, और कितने ग्रंथ पढ़े होंगे यद्यपि उनकी कोई गिनती तो मैंने नहीं की है, पर वो कोई 10 ही हजार भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही काम 24 घंटे यही काम तो चलता है। परंतु आज मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर शांति से विचार करता हूँ तो उन 10,500 ग्रंथों के ऊपर समय सार तैरता हुआ दिखाई देता है। मैंने कहा मुझे आज उन 10,000 ग्रंथों के समुद्र में मुझे समय सार सबसे ऊपर तैरता दिखाई देता है। ये मैं अपने हृदय की बात बताता हूँ, और क्यों बताता हूँ, क्यों तैरता है ये भी बताना चाहता हूँ। ऐसी क्या बात है कि जो मुझे बाकी के 10,000 ग्रंथों में नहीं मिली और इसी में मिली, ऐसी क्या बात है, क्यों मैं इससे प्रभावित हूँ? मैं और बहुत लोगों ने कहा है कि नखलु नखलु समय सारा दुत्तरम किंचिदस्ति, बहुतों ने कहा है, लेकिन मैं बिना किसी से प्रभावित हुए अपने मन की बात आपके बीच रख रहा हूँ कि मुझे समय सार क्यों प्रभावित करता है।
तो मैंने कहा मुझे समय सार की दो बातें बहुत प्रभावित करती हैं और वे ऐसी हैं कि जो मुझे दसियों हजार किताबों में पढ़ने को नहीं मिली। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब दसियों हजार किताबों में ही मुझे वो बातें नहीं मिली तो और भी दसियों हजार पढ़ लेता तो ऐसा लगता है उनमें वो बात नहीं मिलती जो इस समय सार में मुझे मिली है, जिनकी वजह से ये समय सार सबसे ऊपर तैर रहा है। वो दो बातें हैं। पहली बात, मैंने कहा दुनिया की सभी किताबें किसी न किसी पर वस्तु की महिमा हमको बताती है, सुनाती है। कोई माँ बाप की महिमा बताती है, कोई राष्ट्र की महिमा बताती है, कोई स्वास्थ्य की महिमा बताती है, कोई किसकी महिमा बताती है, छोटी छोटी बहुत चीजों की बहुत महिमा सुनाती है। हल्दी की महिमा पर किताब है, जरा जरा सी चीज की, जरा जरा सी चीज, काली मिर्च की क्या महिमा है इस पर एक किताब है, हर लौंग की क्या महिमा है इस पर एक किताब है। तो मुझे ऐसी किताबें बहुत मिली कि जिन्होंने हमको समझाया कि देखो इसकी बहुत महिमा है, इसकी बहुत महिमा है, तुम इसका आदर करो, तुम इसके प्रति समर्पित हो जाओ, ये पूजनीय है, ये श्रद्धेय है, ये अभिनंदनीय है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे हमको बहुत चीजों की महिमा, बहुत चीजों की, बालों की क्या महिमा है, कपड़ों की क्या महिमा है, ये सब सुनाने वाली चीजें हमने बहुत पढ़ी, बहुत किताबें पढ़ी जिसमें हमने जरा जरा सी चीज की महिमा पढ़ी। लेकिन समय सार ने पहली बार मुझे सुनाया कि इस विश्व में सबसे सुंदर कोई है तो तुम स्वयं हो। आदरणीय, तुमने निज सांत स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए है। तुमने सबको श्रद्धेय बोलते बोलते, अये श्रद्धेय, परम श्रद्धेय, तुम्हारा माथा फूट गया। पर समय सार ने घोषणा करी, शंखनाद किया के एयत निच्छे गदो समो सवत्थ सुंदरो लोगे। इस विश्व में यदि श्रद्धेय कोई है, अभिनंदन योग्य कोई है तो तुम स्वयं हो। तुमने आज तक सबकी कद्र करी, टूटी चप्पल, फूटी बॉटल, रद्दी अखबार, एक बाल नहीं खराब हो जाए, पैंट की प्रेस नहीं खराब हो जाए, सबकी तुमने चिंता करी पर तुमने कभी अपनी चिंता नहीं करी। समय सार ने मुझे सिखाया कि पर का लक्ष्य करने से दुर्गति होती है और स्वयं का लक्ष्य करने से सुगति होती है। अपने को जानना, अपने में ही रम जाना, इसका नाम ही धर्म है। ये बात मुझे हजारों किताबों ने नहीं पढ़ाई, सबने दूसरों के गीत बताए, दूसरों का महत्व समझाने वाली किताबों से तो कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी भरी पड़ी है, दुनिया की लाइब्रेरियां भरी पड़ी है, पर अपनी महिमा बताने वाली बात मैंने आज तक किसी से नहीं सुनी। अपनी महिमा, अपने हम स्वयं ही अपने लिए पूज्य हैं, भगवान हैं, आदरणीय हैं, ये बात किसी ने समझाई तो मुझे समय सार ने समझाई।
इसलिए मैं समय सार से प्रभावित हूं। मैं समय सार से क्यों प्रभावित हूं, पहला कारण ये है। और अभी मैं इस बात को उस दिन के बाद से अब तक बारंबार गहराई से विचार कर रहा हूं, तो अभी इतना विचार चल रहा है कि मैं इसी विषय पर 2-3 घंटे आपसे बात कर सकता हूं कि कितना महत्वपूर्ण ये बिंदु है। धर्म ही कहीं खो गया। समय सार ने पहली बार बताया कि तराजू के 2 पलड़े हैं और उसमें 1 पलड़े में मैं स्वयं हूं और दूसरे पलड़े में बाकी सब है। और ये बहुत बारीक बात है, पैरों तले जमीन खिसकेगी अच्छे अच्छों की, के पर माने पर, कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये तो वो तो कुछ नहीं चलेगा। इसलिए मैं समय सार से प्रभावित हूं। मैंने बहुत बड़े विद्वत सम्मेलन में मुनि संघ के बीच ये बात रखी है और अंत में उनसे पूछा है कि आप लोग मेरी बात पर कुछ शंका हो, प्रतिक्रिया हो, तो मैं सुनना चाहता हूं और मैं प्रमाण सहित बात करना चाहता हूं। जैसे आपको तो अभी एक ही गाथा सुनाई, देखो ना, साफ साफ लिखा है ना, एयत निच्छय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोगे, लिखा है ना, ये बात बता दो दूसरी जगह। लाखों किताबें हैं, किसी किताब में बता दो कि तुम तो अपनी कद्र करो, तुम तो अपना ध्यान करो, तुम तो अपने को संभालो, दुनिया की चिंता है और मेरे लिए मैं ही मूल्यवान हूं, मेरा सुख शांति का खजाना मेरे अंदर है, ये बात मुझे समय सार ने समझाई। और अभी आप लोग भी मुझे बताना, अगर बताना हो तो, कि मेरी बात में कुछ विचार विमर्श करना हो तो हम सोचने समझने। देखो, हमको बड़े भाग्य से समय सार मिला है। कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जन्म भी बहुतों को मिल जाता है। कहते हैं कि जैन धर्म दुर्लभ है, पर जैन कुल दुर्लभ है, पर वो भी बहुतों को मिल जाता है, पर समय सार वो है अत्यंत दुर्लभ। वो हमको आपको मिला है, तो उस समय सार का क्या सार है, उस समय सार का क्या संदेश है, क्या कुंद कुंद आचार्य देव कहना चाहते हैं, वो बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहली बात के पर की तरफ लक्ष्य भी नहीं जाना है, चिंता करना। जब सारी दुनिया कह रही थी कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, वहां तो यही 18 पुराणेषु, उसकी जिंदगी बेकार है जो पर की चिंता नहीं करता। तब समय सार ने शंखनाद किया कि उससे बुरा कोई नहीं है जो पर की चिंता करता हो, पर चिंता धमा धमा, अधम से अधम चिंता पर की है। तो पहली विशेषता समय सार की। मैंने कहा दूसरी बात जो मुझे समय सार की सबसे ज्यादा प्रभावित करती है अंदर से, वो ये है कि मुझे दुनिया की सभी किताबों ने, मैं बचपन से जितनी किताबें, जितने शास्त्र, जीव समाज शास्त्र, भौतिक शास्त्र, कोई भी, सब कोई किताब पढ़ी तो सब ने मेरे सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट रखी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। डूज और डूनॉट्स का एक बहुत बड़ा बोझा मेरे माथे रखा। एक कार खरीदी तो उसके साथ एक बुकलेट आई, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है,
एक सिलाई की मशीन खरीदी तो उसके साथ एक बुकलेट आई, मोबाइल फोन खरीदा तो उसके साथ एक बुकलेट आई, ये कर ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा करो ऐसा मत करो, सबने हमको सारी किताबों ने हमको ये सिखाया कि ये करना है ये नहीं करना है, ये करना है इसका ध्यान रखना, ऐसे मत कर देना, ऐसे करना, सबने सारी किताबों ने ये सिखाया। और देखो मैं ये भी मानता हूं कि वे बातें एक अपेक्षा से ठीक हैं, मेरे को सारी किताबों का को पढ़ने से मेरे को मेरी ज्ञानाराधना में बड़ी सहायता मिली है, मैं सबका उपकार मानता हूँ, मैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी का भी उपकार मानता हूँ, मैं दूसरी किताबों का निंदक नहीं हूँ, भारत में जितना भी वांग्मय है और वो जो कुछ सिखाता है राष्ट्र की माता पिता की और बातें, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, और वे किस अपेक्षा से कैसे कही गई हैं ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ। लेकिन आपने पूछा कि आप समय सार से क्यों प्रभावित हो, ऐसी क्या बात समय सार में है जो और कहीं नहीं है, हमें इस पक्ष को दिखाने वाली तो लाखों किताबें मिली, लेकिन समय सार ने हमको वैसी कौन सी दो बातें दिखाई जो मुझे बहुत आंदोलित करती है, जो मेरे 100 जन्मों पर भारी है, 100 जन्म ले लूं तो कोई बात नहीं, मगर ये दो बात समझ जाए तो एक जन्म नहीं 100 जन्म सफल है। दूसरी बात मुझे क्या प्रभावित करती है कि सब ने बताया कि ये करो ये मत करो, ये करो डूज और डू नॉट, समय सार ने पहली बार कहा लीक से हटकर, कल भाई साहब कह रहे थे लीक से हटकर, समय सार ने क्या सिखाया, समय सार ने कहा कि करने और नहीं करने वाले भाई साहब हु आर यू, होने योग्य होता है और तुम केवल जानते हो, इस पक्ष की ओर किसी किताब ने मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया। समय सार ने मुझे समझाया कि आत्मा दिट्ठी जहेव, आत्मा दृष्टि के समान है, वो केवल जानता है, अरे बंद मोक्ष को भी करता नहीं है जानता है, परद्रव्य का छोड़ो अपनी पर्याय में भी आश्रव होने योग्य होता है और आत्मा उसको जानता है, बंद होने योग्य होता है और आत्मा उसको जानता है, संवर होने योग्य होता है और आत्मा उसको, दिट्ठेवणानम अकार्यम तवेद्यम चेव, कितनी बड़ी बात है, मैं एक एक गाता दोनों बिंदुओं की रख रहा हूं और मैंने 10-10 ढूंढ लिए। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे तुम तो आंखों के समान हो, आंखों के समान माने मैं बाथरूम में जाऊं तो हाथ क्या करते हैं, नल खोलेंगे, बाल्टी में मग्गा भरकर उठाएंगे, ऐसे ऐसे बाल, आंखें क्या करती रहती है उस समय, अगर भोजन बनाना हो तो हाथ क्या करेंगे, आटा गूंथेंगे, लोई बनाएंगे, बेलन पकड़ेंगे, घिस, आंखें क्या करती रहती है, अगर रोटी जल रही हो तो आंखें क्या करती है, आंखें उछल के चलती होगी, तेरा ध्यान नहीं है मैं बचा दूं, अगर रोटी जल रही हो तो आंखें उछल के बचाने आती नहीं है, अगर कच्ची रह जाए तो आंखें इतना भी नहीं बोलती है, तुझे बनाना नहीं आता,
कुछ नहीं, वो केवल दर्पण की तरह जानती मात्र है, तुम भी इस विश्व में होने योग्य होता है, सब कुछ होता है और तुम केवल जानते हो, तुम ज्ञायक मात्र हो। ये बात मुझे दसियों हजार किताबों ने नहीं बताई, मैं इसलिए समय सार का दीवाना हूं, मैं भी समय सार से इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि ये दो बातों की ओर किसी ने हमारा ध्यान नहीं दिया, जबकि ये ही परमार्थ स्थिति है। और गजब की बात सुनो, वो जो कुछ कहा जाता है दोनों पॉइंट्स पर का ध्यान रखने की जो बात, पर की महिमा की महत्व बताने की बातें, वे सब, और जो डूज और डू नॉट्स की बात, वो सब बहुत ही थोथी हैं, बहुत अभूतार्थ हैं, मिथ्या हैं, उनमें कुछ दम नहीं है। वो ज्ञानियों को भी ऐसा राग आता है और वे भी ऐसा बोलते देखे जाते हैं, परंतु वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है। ये बात अगर मैं समय सार नहीं पढ़ता तो मेरी समझ में नहीं आती, और मैं चाहता हूँ, मैं वहाँ भरे संघ में कहा, मैं चाहता हूँ कि यदि जैन धर्म की आत्मा को समझना हो, ये केवल समय सार का संदेश नहीं है, ये पूरे जैन धर्म का ही संदेश है, और यदि हमको जैन धर्म का संदेश समझना हो, पढ़ना हो, तो हमें इन दोनों बातों को सावधानी से बिल्कुल तर्क वितर्क परीक्षा की पूरी छूट है, आराम से, आग्रह नहीं रखना है, डरना नहीं है, ईमानदारी से समझने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार हो तो जैन दर्शन हृदय खोलकर उसका स्वागत करता है, समय सार हृदय खोलकर उसका स्वागत करता है कि तुम एक बार मेरी गोद में तो आओ। ये बात तुम्हें नहीं समझने सुनने नहीं मिलेगी कहीं, पूरा समय सार, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार ले लो, वो तो पूरा का पूरा, पूरा समय सार ये दो ही बातें कहता है। ये जीव अजीव अधिकार, शुरू के अधिकार पहली विशेषता को बताते हैं और बाद के अधिकार दूसरी विशेषता को बताते हैं। एक एक समय की पर्याय होने योग्य होती है, एक भी पर्याय को इंद्र जिनेंद्र नरेंद्र कोई टाल सकता नहीं है, आत्मा केवल उसका ज्ञाता है, उसका कर्ता भी नहीं है और उसका भोक्ता भी नहीं है। और ऊंची बात ये कि केवल पर के को कर्ता भोक्ता बने का निषेध नहीं है, अपनी पर्याय में जो स्थिति बन रही है वो स्थिति भी होने योग्य होती है और आत्मा उसका केवल ज्ञाता मात्र है। ये यही कारण है कि समय सार के बारे में जिसने भी कहा वो ऐसा ही कुछ कहा कि नखलु नखलु समय साराद उत्तरम किंचिदस्ति लोकत्रयैक नेत्रम। ये तीन लोक का एक नेत्र है। जैन दर्शन को देखना हो, समझना हो, तो शांति से समय सार का अध्ययन सबको करना चाहिए, पूरी तरह इसमें डूब जाना चाहिए। कितनी बार पढ़ना चाहिए? एक श्लोक आता है बहुत अच्छा, सतेन गुणिता आयाति सहस्रेण तु तिष्ठति
सहस्राणाम सहस्रेण प्रेतचेह चतिष्ठति, के सुनो 100 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, 1000 बार पढ़ोगे तो टिकेगा, और 1,00,000 बार पढ़ोगे तो अगले जन्म में साथ जाएगा। गणेश प्रसाद जी वर्णी, दिनेन्द्र वर्णी, मनोहर लाल जी वर्णी, रायचंद जी और पूज्य गुरुदेव के बारे में तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने तो 19-19 बार जिस आदमी ने सभा में पढ़ा हो वो तो 24 घंटे यही पढ़ते थे। मैं समझता हूं कि समय सार 24 घंटे पढ़ने लायक है। सोते भी, जगते भी, खाते भी, आते भी, जाते भी, समय सार के बिना एक समय भी, समय सारम ही द्वादसांग चतुर्दश पूर्वाणाम सारभूतम, पंडितासा दर्जी ने लिखा। समय सार द्वादसांग का सार है। सो मूलाचार में लिखा, सो अन्नाणी मूढ़ो जोण याण दे समय सारम, के वो अज्ञानी है, मूढ़ है जिसने समय सार नहीं पढ़ा हो। मैं तो अब सब जगह कहता हूं कि जैसे प्रत्येक जैन को जीवन में एक बार कम से कम शिखर जी की वंदना करनी चाहिए, ऐसे मैं सारी जैन समाज से कहता हूं कि जीवन में कम से कम एक बार तो समय सार का अध्ययन करना चाहिए, और कोई शंका हो और शांति से समझने का भाव हो तो चर्चा करने के लिए हम खड़े हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ये समय सार का सार है, ये विशेषताएं हैं 2। हम सब इन 2 विशेषताओं को समझकर जैन धर्म का मर्म समझें, इसे अपने जीवन में उतारें। मैं इसी मंगल कामना के साथ अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।